ये टॉपलैंड का इंजन आप देख रहे हैं, ये झटके लेलर के चल रहा था। तो दोस्तों इसमें दिक्कत क्या हुई थी, दोस्तों इसमें पंप का पूरा सेट नया पड़ा था और ये ऐसे चल रहा था जैसे ये फंस फंस के चल रहा हो। तो दोस्तों इसको हम आपको सेट करके दिखाएंगे कि इसमें कमी क्या आई है इसका। दोस्तों हम सबसे पहले पंप खोलेंगे और दोस्तों इसमें क्या होता है, जो प्लंजर में जंप हो जाता है, ये देखिए हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। ये जो प्लंजर लॉक होता है ये तो कभी कट जाता है और इसमें ज़्यादा जंप हो जाता है, फिर जो ये प्लंजर होता है तो सटीक तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इसको हम सही करने का एक देसी तरीका बताते हैं। अगर कटोरी आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आपको हम एक देसी तरीका बताते हैं इसको सेट करने का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। अब इस पर दोस्तों क्या करेंगे, एक हम कोई वार्सल या पत्ती का टुकड़ा काट के रख देंगे, जो जंप होता है जो ये पिस्टन इसके ऊपर लगता है उसके बराबर इसको सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि प्लंजर का जो इतना उछाल होता है इसी की वजह से इसका जो पंप है सही से काम नहीं कर पाता है, इसलिए हमें ये जो पत्ती है ये हमने एक वाशर है इसको काट के इस पर रख दिया है। दोस्तों क्या होता है, ये इंजनों में ज़्यादातर कमियां आती रहती हैं। ये है पिस्टन इसका और ये है फाइनल लॉक, इसको हमने लगा दिया है और इसमें जो है डीवी पहले से ही लगी हुई थी, क्योंकि इसको जो है पूरा पंप हमने नहीं खोला है, इसकी दिक्कत हमको अभी पता थी इसमें क्या हुआ है। अब इसका जो ये मेन बेंजो है इसको हम टाइट कर देंगे, बेंजो भी कहते हैं इसको, सॉकेट भी कहते हैं दोस्तों अपनी अपनी भाषा में। अब ये पंप एकदम कंप्लीट हो गया है, ये अब देखिए ज़रा भी ये हबिंग नहीं बताएगा, बिल्कुल मेंटेन काम करेगा। अगर दोस्तों आपका भी इंजन ऐसी ही हरकत करता है तो इसी प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। अब हम आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे।